परसेंट लोग हैं जो ये वाला जो फोल्डर है, यहाँ माई फाइल में जाइएगा। माई फाइल में जाने के बाद आपको एसडी कार्ड और डिवाइस मेमोरी है, इस दोनों में आपको जो है ये वाला फोल्डर मिल जाता है। यहाँ पर देखिए एंड्रॉयड और ये वाला में आइए आप, यहाँ पे एसडी कार्ड में आने का, तो नीचे जाइए स्क्रॉल डाउन करके, और यहाँ पर आपको ये फोल्डर मिल जाएगा एंड्रॉयड करके। तो ये दोनों फोल्डर बहुत सारे जो 90% लोग हैं जो इस फोल्डर के बारे में जानते ही नहीं हैं, और बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो जानते भी हैं तो इस फोल्डर को डिलीट करने से वो डरते हैं कि हम ये फोल्डर को अगर डिलीट कर देते हैं तो मेरा मोबाइल क्रैश हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा, या बहुत सारे जो है इस फोल्डर है इसको लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ये मेरा जो एंड्रॉयड फोल्डर है इसका क्या यूज होता है मेरे मोबाइल में। तो वो सारे कन्फ्यूजन आज मैं आपको इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप जाना। तो इस वीडियो में आपको लास्ट तक बनना होगा ये जानने के लिए कि आपके मोबाइल में एंड्रॉयड फोल्डर जो है इसका क्या यूज है। अगर आप इसको डिलीट करके हटा देते हो, उड़ा देते हो, तो आपका मोबाइल कहीं क्रैश तो नहीं हो जाएगा, और क्या होने वाला है इस फोल्डर को हटाने से और क्या नहीं होने वाला है इसका मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बनिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। Shut up and sit down. सबसे पहले आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है एंड्रॉयड फोल्डर, इसको आप ओपन कीजिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, डाटा और मीडिया का। यहाँ डाटा वाला पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको इसमें ढूंढना पड़ेगा आपको YouTube। तो इसमें आप यहाँ पे ढूंढ लीजिए कहाँ पर यूट्यूब है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंड्रॉयड यूट्यूब है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको दो फाइल मिल जाता है, फाइल और कैचेस का मिल जाता है। यहाँ फाइल वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए ऑफलाइन है, यहाँ पे ऑफलाइन वाले पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो है नो फाइल, इसमें आप कुछ भी फाइल नहीं है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर यहाँ पे जो है फाइल यहाँ पे कुछ आता है तो वो कहाँ से आता है, अगर आप इसको डिलीट करते हैं तो क्या होने वाला है। इसके लिए हम बैक चलते हैं और हम यहाँ पर यूट्यूब को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं सिंपली। यहाँ पर चलेंगे हम ये यूट्यूब पर, यूट्यूब पर जाने का यहाँ पर जो है, जैसे मैं यहां से एक वीडियो को डाउनलोड कर लेता हूं, जैसे यहां पे एक वीडियो है, मैं इस पर क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद मैं पहले यहां पे मैं इसको पॉज किया, और यहां पे जैसे मैं यहां पे इसको डाउनलोड करता हूं तो डाउनलोड वाले पे क्लिक करेंगे, और यहां से मैं इसको जो है डाउनलोड कर लेता हूं। डाउनलोड करने के लिए यहां पे डाउनलोड वाले पे क्लिक करेंगे, और इसमें से आप कोई भी क्वालिटी में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक किया, यहां डाउनलोड वाले पे क्लिक किया, अब यहां पे देखिए कि यहां पे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहां पे देखिए जैसे ये डाउनलोड होगा, तो ये डाउनलोड होने के बाद जो है वहां पे जो है यही वाला फोल्डर जो अब डाउनलोड यहां पे हो रहा है, यही वाला फोल्डर वहां पे जाके ये जो है बन जाता है। जैसे मैं इसको यहां पॉज कर देता हूं, पॉज करने के बाद सिंपली मैं यहां से फिर से जाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे टूल्स पाया, टूल्स पाने के बाद यहाँ माई फाइल पाया, माई फाइल पाने के बाद आप इन दोनों में से किसी को भी ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डिवाइस स्टोरेज को मैं यहाँ पे से ओपन करता हूँ, यहाँ पे आप जो है वही फोल्डर खोजेंगे एंड्रॉयड का, मैं इसको ओपन कर, यहाँ डाटा वाला को ओपन करेंगे, यहाँ पे जो आप यहाँ यूट्यूब वाले को ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे जो फाइल है और कैचेस दोनों को, दो ऑप्शन, यहाँ फाइल वाले को यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखिए ऑफलाइन है, ऑफलाइन को मैं यहाँ ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखिए एक फाइल आ चुका है, और मैं आपको पहले दिखाया हूँ कि यहाँ पे जो है कुछ भी जो नहीं था, यहाँ पे नो फोल्डर था, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। इस तरीके से आप ओपन कर, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन कॉपी बन चुका है। तो वो वीडियो जो यहाँ पे डाउनलोड होगा वहाँ पे, तो उसका यहाँ पे कार्बन कॉपी बन चुका है। अगर आप यहाँ से इसको डिलीट करके यहाँ से इसको रिमूव कर देते हो, अगर आपको जो वीडियो वहाँ पे डाउनलोड हो जाता है तो सिंपली जो है डिलीट करके हटा दीजिएगा यहाँ से, तो वो जो वीडियो डाउनलोड होगा वो आपका जो वहाँ पे नहीं चल पाएगा। सो गाइस, इस तरीके से जो है ये फोल्डर का मीन्स होता है कि आप जो है यूट्यूब में कोई भी जो है ऑडियो वीडियो या पिक्चर या इमेजेस जो है डाउनलोड करते हैं तो वो सारे के सारे जो इसका कार्बन कॉपी यहाँ पे बन के आ जाता है। अगर आप जो है इस फोल्डर को जो है यहाँ से डिलीट करके हटा देते हैं, उड़ा देते हैं, तो ये होगा कि आपको जो ही ऑडियो रहेगा या वीडियो रहेगा वो सारे के सारे जो है डिलीट होकर हर जगह वो नहीं चलेगा। तो ये आप टेंशन नहीं लीजिए कि आपको जो है ये जो मोबाइल जो है आपका ये क्रैश हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा ये फोल्डर को डिलीट होने से, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर से अगर आप ये फोल्डर यहाँ से डिलीट करके हटा देते हैं यहाँ पर एंड्रॉयड फोल्डर को, तो अगर आप फिर से जो है यूट्यूब में कोई भी ऑडियो वीडियो आप डाउनलोड करते हैं तो ये जो फाइल जो है जो एंड्रॉयड का, ये ऑटोमेटिकली जो है अपने आप यहाँ पर बन के आ जाता है। तो बहुत सारे लोग जो है ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम जो एंड्रॉयड
फोल्डर को यहाँ से उड़ा देते हैं, डिलीट कर देते हैं तो मेरा मोबाइल क्रैश हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है गाइज, तो आप बिल्कुल ही टेंशन नहीं लीजिए कि ये जो एंड्रॉयड फोल्डर है अगर इसको हम हटा देते हैं तो मेरा जो है मोबाइल ख़राब हो जाएगा। हाँ, बट ये जो है ज़रूर है कि अगर आप कोई वीडियो या डाउनलोड फ़ोटो या सॉन्ग जो डाउनलोड किए हुए हैं अगर जो है ये फोल्डर को उड़ा देते हैं तो वहाँ से जो है आपको कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑडियो इमेजेस है वो सारे के सारे जो है डिलीट हो जाएंगे, हट जाएंगे, वो वहाँ से चलेंगे नहीं अगर इस फोल्डर को उड़ा देते हैं तो। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई भी इंपॉर्टेंट फ़ोटो है या वीडियो ऑडियो डाउनलोड किए हुए हैं तो उसको आप किसी अदर फाइल में मूव कर लीजिए, इसके बाद ही आप जो है ये जो एंड्रॉयड फोल्डर है इसको आप यहाँ से डिलीट कीजिए, नहीं तो वो सारे के सारे जो वहाँ पर आप डाउनलोड किए रहिएगा, चलिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, वो आपको यहाँ पे जो है डाउनलोड किए रहिएगा, वो सारे के सारे जो यहाँ पे है वो चलेंगे नहीं। वो देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन आ चुका है, जैसे मैं वहाँ पे डिलीट किया हूँ तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ चुका है। इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे रिज्यूम करता हूँ तो यहाँ पे देखिए फिर से ये स्टार्टिंग हो चुका है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है आपका जो फाइल जो है यहाँ पे जो डाउनलोड हो जाएगा बट वो चलेगा नहीं, वहाँ पे लिखा के आ जाएगा कि ये फाइल है नॉट सपोर्टेड। तो इस तरीके से गाइस आप जो कोई भी ऑडियो वीडियो या इमेजेस को जो है डाउनलोड करते हैं तो आप जो है पहले इसको किसी फाइल में मूव कर लीजिए, इसके बाद ही अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो कुछ डेटा जो है वहाँ पर छेके हुआ है स्टोरेज किए हुआ मेरे मोबाइल का, तो ये जो आपको हटाने से ये होगा कि आपके मोबाइल का जो है डेटा कुछ जो ज़रूर खाली होगा, मोबाइल की कैपेसिटी जो छेके हुआ है वो ज़रूर खाली हो जाएगा, बट आप ये नहीं सोचिएगा कि मेरा जो है मोबाइल क्रैश हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जो कार्बन कॉपी बने रहते हैं वहाँ पे एंड्रॉयड फोल्डर में, वो कार्बन कॉपी जो है आपको जो मोबाइल का स्टोरेज कुछ जगह जो है कुछ छापे रहता है, कुछ छेके रहता है, उसको जो है डिलीट करने से हटाइएगा तो वो जो है आपका कुछ स्पेस, आपका मोबाइल है या एसडी कार्ड है उसका कुछ स्पेस आपको बचेगा। तो पहले आप डिलीट करने से हटाने से पहले जो है आप जो है इस जो भी वीडियो ऑडियो या कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं तो उसको आप किसी फाइल में मूव कर लीजिए, नहीं तो आपके सारे मेहनत बेकार जाने वाला है। आप ये नहीं सोचे कि हम जो है एंड्रॉयड फोल्डर है या उसको हम डिलीट करते हैं उड़ाते हैं तो वो जो है मेरे मोबाइल को क्रैश कर देगा, ख़राब कर देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपका मोबाइल क्रैश नहीं होगा और आपका जो है फोल्डर है वो जो आप वीडियो वीडियो डाउनलोड करते हैं यूट्यूब से वो फिर से ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन के आ जाता है। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो मैं पर डे अपलोड करते रहता हूँ।